थी, सारा कैसे फील्ड में आई तुम, कैसे मौका मिला, कैसे चांस मिला, किसने ऑफर की? एस सुलेमान साहब, राबिया सुलेमान, राबिया जिंदा रहेगी, तो कहाँ देखा था? ARY से मेरी जिंदगी का करियर की शुरुआत। तो कहाँ देखा था एस सुलेमान साहब को तुम, कहाँ नजर आई थी, कहीं ऑडिशन देने आई थी? नहीं नहीं, वो नहीं, तब मैं नई अभी फील्ड में आई थी, तो उनको शायद कोई चाहिए था, तो किसी ने ऐसे आते हैं, किसी ने पोर्टफोलियो शायद भिजवा दिया था। तुमने कैसे सोचा कि मैं, अच्छा अब मैं काम जो करती हूं कि मैं एक्टिंग कर लेती हूं? नहीं नहीं, किसी ने मुझे कहा, मैं तो फोटोज ही बना रही थी, तस्वीरें खिंचवा ली, मैंने कहा तस्वीरें ठीक है, तस्वीरें खींचो, पैसे लो, चलो शुरुआत के लिए ठीक है। तो बस एस सुलेमान साहब ने मुझे उसके लिए, राबिया जिंदा रहेगी मेरा पहला प्ले, मुझे ये नहीं पता कि कोई इतना बड़ा डेब्यू मुझे मिलने वाला है, और कोई एस सुलेमान साहब, कोई बहुत बड़े डायरेक्टर है, और नहीं नहीं पता ही नहीं ना, नहीं पता था, पता ही नहीं था मुझे, एहसास हुआ है, लेकिन जितना मुझे आज एहसास है ना, शायद मुझे उस वक्त बिल्कुल भी, आई वॉज जस्ट, हाँ आई वॉज इन एयर, एंड आई वॉज लाइक, अच्छा एक्टिंग करनी है, तो बोला हाँ, तो मैं कहा सर मुझे लेकिन एक्टिंग तो नहीं आती, तो बोला अच्छा पैसे करो, आप एक पैराग्राफ है, आप घर पे जाके दूर बैठ के ना वहाँ पे मिरर में देख के तो आपने बात करनी है। अच्छा मुझे समझ नहीं आया कि क्यों कह रहे हैं ना, तो मैं जाके मिरर पे मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया और मैंने उसको बोलना शुरू किया। फिर दो तीन दिन के बाद उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया, तो एक बहुत बड़ा टेबल वहाँ जाके बैठ गए ना, और मुझे बिल्कुल इधर बैठा, बोला अभी डायलॉग बोलो, सो यू नो द थ्रो ऑफ द वॉइस, दैट ही गेव मी द प्रैक्टिस एंड आई डिडंट नो दैट। तुम्हें लगता है कि वो उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे, वो एक ड्रामा था, लेकिन वो लगता है मेरी जिंदगी की पूरी ट्रेनिंग थी वो ड्रामा, राबिया जिंदा रहेगी, वो एक ड्रामा नहीं था। तुम लकी रही, उस ड्रामे के क्लिप्स देखेंगे, दैट ही बिकम एक्चुअली द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, समहाउ व्हेन वी विल सी द क्लिप ना, यू विल सी ना, राबिया रेडी करो दिखाना, पर ARY का ड्रामा था, तब पुराना ड्रामा था वो, मतलब ARY के शुरू के ड्रामों में से था, शुरू के ड्रामे, कोई 2000, बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल फर्स्ट प्ले ना, 2003। फिर क्या हुआ जब उसके बाद राबिया जिंदा आया, तो उसके बाद ऑफर्स, बट राबिया जिंदा रहेगी वो करते करते फिर मैंने साड़ी अमो आपा से सीखी, अमो मकसूद की जो वाइफ है, कैसे साड़ी बनती है, कैसे साड़ी, उन्होंने मुझे साड़ी बांधना, तो मेरी ट्रेनिंग सोचे ना, तलत हुसैन साहब, एस सुलेमान, अम्मू आपा, मैं छोटी सी बच्ची में बैठी हूँ मुझे सब, और मुझे लगता था मुझसे कोई गलती ना हो जाए ना, मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए, सीखने में अच्छी थी तुम, हाँ लेकिन ऐसा होता है ना, आप रिस्पेक्ट में कहते हैं कि कोई चीज अब मुझे सिखा रहे हैं, तो आई वाज ट्राइंग टू पुट मोर एफर्ट रादर देन कि ना मैं उसको 70% लेती, मैं 200% अपना माइंड उस तरफ डालती थी। सो देखो आज भी बैठी हूँ, सारा काम कर लिया, लेकिन राबिया जिंदा रहेगी मुझे ना कभी भूला है ना कभी भूलेगा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.